बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है। इंदौर आईटी कैंपस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 15 अगस्त को कैंपस उड़ाने की धमकी मिली है। आईआईटी प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास सिमरौल थाना क्षेत्र के आईआईटी कैंपस में ये धमकी दी गई है। ये कहा गया है कि बम से इस कैंपस को उड़ाया जाएगा। 15 अगस्त की तारीख बताई गई है जब अटैक किया जाएगा और ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसे ही ईमेल आया, ईमेल आने के बाद आईआईटी कैंपस ने तुरंत सिमरौल पुलिस को इसकी सूचना दी और उसके बाद साइबर थाना पुलिस ने ईमेल आईडी की जांच शुरू कर दी है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, हमने देखा है कि पिछले दिनों अगर हम राजधानी की बात करें या कई दूसरे राज्यों की भी बात करें तो वहाँ पर भी इस तरीके से धमकी भरे ईमेल आए हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, इंदौर के आईआईटी कैंपस के जो स्कूल है उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई और कहा गया कि 15 अगस्त को स्कूल को बम से उड़ाया जाएगा। ये रात को मेल आया है कल, तो उसके बाद से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पूरे कैंपस की जांच भी की जा रही है। साथ ही साथ ये शरारती तत्व तो नहीं है, इसको लेकर भी आईटी एक्सपर्ट्स को इस पूरे मामले को सौंपा गया है। जी, लेकिन ये ईमेल कहाँ से आया, क्या ये अभी तक ट्रेस हो पाया, पता लग पाया? देखिए, जो उसमें जिक्र किया गया वो आईएसआईएस के नाम से है, यानी कि आईएसआई के नाम से अगर मेल आया है, लेकिन ये शरारती भी हो सकता है क्योंकि आपने पहले दिल्ली का भी जिक्र किया। हमने देखा कई स्कूलों को इस तरह से उड़ाने की धमकी पहले भी दी गई थी, लेकिन फिर बाद में वो एक तरह से थ्रेट मेल ही रहा। जी, इस ईमेल में क्या लिखा गया है, कुछ क्लियर हो पाया? बिल्कुल, साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि मेल 5:22 पर आया, पहले मैं आपको बता दूं, और इसमें साफ लिखा है कि 15 अगस्त को आपके इस स्कूल को उड़ा दिया जाएगा। एक ही लाइन का ये मेल है, बचा सको तो बचा लो या रोक सको तो रोक लो, जैसी बातें उसमें कही गई। ठीक है, अब उसके बाद जाहिर सी बात है कि जांच का विषय ये बन गया है और ऐसे में देखिए किस तरीके से जो मेल आईडी है उसको भी ट्रेस किया जा रहा है कि कहां से ये मेल आया है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो पिछले कुछ समय की अगर बात करें, राजधानी दिल्ली में स्कूलों में इस तरह की धमकी दी गई, इसके अलावा आप देखिए हॉस्पिटल्स में इस तरह की धमकियाँ दी गई कि हॉस्पिटल को बम से उड़ाया जाएगा। एयरपोर्ट पर हमने देखा किस तरीके से धमकी, और अब ये इंदौर के आईआईटी कैंपस को धमकी मिली है।